अगर आपको भी डरना और थ्रिल को एक्सपीरियंस करना पसंद है तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई बेस्ट हॉरर वेब सीरीज की लिस्ट, जिन्हें आप हिंदी में भी देख सकते हो और ये सीरीज आपकी रातों की नींद उड़ा देगी और साथ ही आपको इसमें शानदार स्टोरी लाइन और खतरनाक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। हमारी पहली सीरीज है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। इसे IMDb पे 8.5 रेटिंग मिली है। ये 2018 में रिलीज हुआ एक बहुत डरावना शो है और इसका जो सेकंड पार्ट है उसका टाइटल है द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनोर, जो 2020 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को भी काफी पसंद करा गया है। और अगर बात करें द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस की तो इस सीरीज में टोटल 2 सीजन्स हैं और ये 1959 में आई एक नोवेल पर बेस्ड है और इसकी कहानी प्रेजेंट के बीच फंसी एक फैमिली की है जिसमें 5 बच्चे और उनके माता पिता है जो अपनी जिंदगी में खौफनाक घटनाओं का सामना करते हैं। दोनों ही पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं लेकिन कैसे ये अपने ही बच्चों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस सीरीज के कई सारे सीन्स तो बहुत ज्यादा डरावने हैं और आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी सेकंड सीरीज है किंगडम। इस सीरीज को IMDb पे 8.3 रेटिंग मिली है और ये एक वन ऑफ द बेस्ट ज़ॉम्बी वेब सीरीज है और इसके टोटल 2 सीजन्स हैं। इसकी स्टोरी शुरू होती है पुराने जमाने के टाइम से, जहां एक किंग को दिखाया गया है जो काफी ज्यादा बीमार है लेकिन लोगों का कहना है कि ये किंग मर चुका है। लेकिन उनकी जो वाइफ है यानी क्वीन और उसके फादर, वो किसी को भी किंग से मिलने ही नहीं देते, यहाँ तक कि उनके बेटे क्राउन प्रिंस को भी नहीं। अब इसी के बीच पूरे गांव में एक बीमारी फैल जाती है जहाँ सारे लोग ज़ॉम्बी बनके एक दूसरे को खा रहे हैं। अब ये लोग ज़ॉम्बी कैसे बने ये तो आपको ये सीरीज देख के ही पता चलेगा और आप इसे नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में देख सकते हो। थर्ड नंबर पर है यू। ये सीरीज 2018 में रिलीज हुई थी और इसे IMDb पे 7.7 रेटिंग मिली है। ये क्या होगा अगर आपसे किसी को प्यार हो जाए और वो ऑफलाइन या ऑनलाइन हर जगह आपको फॉलो करना शुरू कर दे और जो भी उसके रास्ते में रुकावट बने वो उसी की जान ले ले। यू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें रोमांस भी है और होश उड़ा देने वाले ट्विस्ट भी हैं। इस सीरीज के अभी तक 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं जिसे आप नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देख सकते हो। फोर्थ नंबर पर है मिडनाइट मास। इस सीरीज को IMDb पे 7.7 रेटिंग मिली है। 2021 की ये सीरीज एक हॉरर मर्डर और थ्रिलर वेब सीरीज है। इस सीरीज का एक ही सीजन है और इसके सेकंड सीजन आने के चांसेस भी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसकी पूरी स्टोरी सीजन 1 में ही खत्म कर दी गई है। और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी एक छोटे से आइलैंड की है जिसमें गिने चुने ही घर होते हैं और लगभग 50 से 60 लोग रहते हैं जो एक चर्च को फॉलो करते हैं। लेकिन उस चर्च का जो प्रीस्ट होता है वो खून पीने और पिलाने वाला एक मॉन्स्टर है। हालांकि ये शो देख के आप इतना डरोगे तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये शो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर चल क्या रहा है। फिफ्थ नंबर पर है रेड रोज। इस सीरीज को IMDb पे 6.4 रेटिंग मिली है और ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर फिक्शन वेब सीरीज है। इस सीरीज का टोटल एक ही सीजन है और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो इसमें आपको कुछ टीनेजर्स की स्टोरी देखने को मिलेगी जिनकी कॉलेज लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है लेकिन अचानक एक दिन उनके फोन में एक रेड रोज नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है। ये एक तरह का गेम होता है जिसमें कई सारी लेवल्स होती हैं और इन लेवल्स को पार करने के बाद उन्हें एक टास्क को पूरा करना होता है। लेकिन ट्विस्ट जब आता है जब ये गेम इस लड़की से एक ऐसा काम करवाना चाहता है जिसे वो लड़की बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। लेकिन इस गेम का एक रूल है कि जो भी इसे शुरू कर देगा वो बीच में नहीं छोड़ सकता। अब आपके मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एप्लीकेशन उस लड़की के फोन में आया कैसे और क्या वो गलत काम है जो वो उस लड़की से कराना चाहता है। अब ये जानने के लिए तो आप फटाफट से जाके ये सीरीज देखो और ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में मिल जाएगी। तो ये थी हमारी टॉप 5 बेस्ट हॉरर वेब सीरीज। आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्द ही मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।